ये तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपसे अधिक देर तक दूर नहीं रह पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके लिए करने की सोचते रहते हैं और जहाँ कुछ अच्छा दिखाई देता है या मिलता है आपके लिए लेकर उपस्थित हो जाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नई बात, कुछ अच्छी और कुछ इंटरेस्टिंग। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि पूरे विश्व में कोई जगह, कोई देश, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां औरतें मर्दों से पीछे हों। अगर आगे नहीं तो पीछे भी नहीं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और ख़ास तौर पे हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो ये काफ़ी हद तक अब देखने को मिलता है। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं लंदन में रहता हूँ, यूके में हूँ, और इस समय जहाँ आप मुझे देख रहे हैं ये ठीक पीछे ये वाला ये मेरा ही घर है जो सफ़ेद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुल्क में तो महिलाएं हर क्षेत्र में कार्यरत हैं और विदेशों में भी ऐसा ही है। हर क्षेत्र में, साइंस ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, डॉक्टरी ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, विमानों में पायलट ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है। हर तरफ कदम से कदम मिलाकर मर्दों के साथ पुरुषों के फील्ड में काम कर रहे हैं, कहीं पीछे नहीं हैं, बल्कि आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं। वित्तीय क्षेत्र में ले लीजिए, बैंकों में ले लीजिए। लेकिन मैं इसलिए बड़ा अचंभित इसलिए हुआ हूँ क्योंकि कल मेरी मित्र, मेरी प्रिय मित्र और मेरी को होस्ट और आपकी फेवरेट संगीता मारवा ने मुझे दिल्ली से फ़ोन किया और कहा के मैं ना एक कैब में बैठी हूँ, मुझे बड़ी ये हैरानी हुई है कि उसकी ड्राइवर फीमेल है, यंग लड़की है, 24 साल की। मैं बड़ा अचंभित हुआ तो मुझे वो पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें उनका कुछ क्लिप भेजूं और उनसे बातचीत का कुछ थोड़ा सा अंश भेजूं। तो मैंने कहा भैया, नेकी और पूछ हम अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ लेकर तो जा रहे हैं, कम से कम पसंद आए या ना आए ये आप पर छोड़ते हैं। तो ओवर टू संगीता मारवा, आपकी प्रिय होस्ट। हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता मारवा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैं इस समय कैब में बैठी हूँ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते। 43-44 डिग्रीज हैं, बाहर निकलना तो जैसे समझिए तंदूर में जाने वाली हालत हो जाती है। आई एम रियली जेलस ऑफ यू के आप लंदन में बैठे हो, ठंड में बैठे हो। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आपने खूब सारे गर्म कपड़े पहने होते हैं और हमें देखिए, मतलब हम एसी में बैठे होते हैं और आप वहाँ गर्म कपड़ों में ठिठुर रहे होते हैं तो हमें बहुत जलन होती है। लेकिन कवन दोस्तों, हम एक आपसे बात शेयर करना चाह रही थी मैं, और के आप भी ध्यान से सुनिए कि मैं नरेला अपनी फैक्ट्री से वापस आ रही हूँ, बहुत गर्मी है और क्योंकि मेरे को आज बाहर का ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ा, मैंने एक कैब बुक की है। तो तुम्हें सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जब मैं कैब पे फोन पे बात कर रही थी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम फोन पे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पहुँचे, आप लोकेशन पे नहीं पहुँचे, तो जो मुझे सामने से आवाज़ आ रही थी वो मेरे को बहुत ज्यादा लड़कियों जैसी लग रही थी। तो मुझे लगा कि कई बार लोगों की आवाज़ें पतली होती हैं, कईयों की मोटी होती हैं, मुझे लगा कि शायद ये कोई लड़का होगा, कोई यंग लड़का होगा गाड़ी चला रहा है, उसकी आवाज़ टीनेजर्स वाली है। तो थोड़ी देर बाद जब मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई, मेरी कैब आ गई, तो दोस्तों आप हैरान हो जाओगे, मैं भी बहुत हैरान हुई। वैसे हैरान होना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल लड़कियां किसी भी चीज़ में लड़कों से कम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो एक 24 साल की छोटी सी लड़की गाड़ी चला रही थी और उसकी प्यारी सी स्माइल मैंने देखी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो खुद गर्ल्स को जाता है, लड़कियों को जाता है, नारी को जाता है, क्योंकि उसने इस ऐसी सोसाइटी में जिसमें कि सारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी मानी जाती है अभी भी, उसमें अगर इतनी फाइट करके अगर बच्चियां बाहर आती हैं, लड़कियां बाहर आती हैं, लेडीज बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो सबसे ज्यादा हेड्स ऑफ उनको है और सबसे ज्यादा तालियां उनके लिए बजनी चाहिए कि बावजूद इसके कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, फिर भी वो बच्चियां बाहर आती हैं और किस तरह से देखिए और अपने आप को, अपने परिवार को भी पालती है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी, इनका नाम लक्ष्मी है, अभी तो ये गाड़ी चला रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी उनको पीछे से वो ड्राइव कर रही है, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा
तो मैं इनसे बात जरूर करूंगी और आपसे आपको इनसे जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन तब तक छोटी छोटी मैं बातें इनसे करूंगी, क्योंकि चलाते वक्त ये मेरे को देख नहीं पाएंगी, तो एक छोटा छोटा इंटरव्यू हमारा चलता रहेगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ ब्रेव शी इज। और हमारी गर्ल्स, हमारी बेटियां, इस भारत देश की जो बेटियां हैं, समय आने पर तलवार भी उठाती हैं, समय आने पर कलम भी उठा लेती हैं, और समय आने पर परिवार को पालने के लिए क्या क्या काम करती हैं। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये लक्ष्मी है, गाड़ी चला रही है। आज थोड़ा सा मूविंग हो रहा है क्योंकि हम दोनों गाड़ी में हैं। मैं इनसे कुछ बात करना चाहूंगी और ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जहां तक रही इनकी शक्ल की बात, तो वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लक्ष्मी, आप हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को बताओगे, भारत के दोस्तों को और लंदन के दोस्तों को, कि आपने गाड़ी चलाना कहां से सीखा और क्यों? मैंने गाड़ी चलाना आजाद फाउंडेशन से सीखा। जो आमिर खान है, इनकी फाउंडेशन है आजाद फाउंडेशन। इन्होंने हमारे को, मतलब गर्ल्स को ड्राइविंग सिखाते हैं, घर घर पे जाके पर्चे बांट के आते हैं, बताते समझाते कि अपने पैरों पे खड़े हो, ड्राइविंग सीखो करके। तो हम लोगों को सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं, और भी कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया और जेंडर को लेके क्लासेस हो गया, हमारे हक के बारे में, गाड़ी सही करना और बहुत सारी चीज़ें। मतलब 15-16 कोर्सेज होते ही सारे कोर्स कराते हैं और हमारे को पूरा ट्रेन कर देते हैं अच्छे से इसमें, मतलब गाड़ी में छोटी मोटी भी कोई दिक्कत हो हम खुद से हैंडल कर सकें। और एक बात और बताओ लक्ष्मी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है। तो ये काम तुमने अपनी मर्जी से चुना या तुम्हें फोर्सफुली कहा गया कि तुम घर चलाने के लिए काम करो? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से चुना है इस लाइन में। और पापा क्या करते हैं आपके? सब्जी बेचते पापा। और शादी के बारे में कभी सोचा? अभी नहीं। और आगे क्या सोचते हो कि जिसे तुम्हारी शादी होगी वो कैसा हस्बैंड होना चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए? पता नहीं, किस्मत की बात है। हाँ, लेकिन ये तो जरूर सोचोगे ना कि वो तुम्हें कम से कम अपने पाँव पे खड़ा रहने दे। तो ये है लक्ष्मी, देख लीजिए, बहुत स्वीट बच्ची है, छोटी सी गाड़ी चला के लाई है और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसके साथ ट्रैवल करते हुए। लक्ष्मी, बस एक आखिरी सवाल लोगों के लिए कि आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हो, भविष्य अपना कैसा देख रहे हो? मेहनत करके अच्छा कुछ करने के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत कम बोली मगर बहुत स्वीट बोली कि मेहनत करके और कुछ अच्छा करके। ठीक है लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई। और मेरी प्रार्थना है, और मेरा को होस्ट जो है उससे भी मेरे यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करें कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, आप हमेशा खुश। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से 24 साल की ये लड़की लक्ष्मी अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर रही है, बजाय इसके कि ये किसी पर आश्रित हो, इसने स्वयं काम करना शुरू कर दिया है। कितनी अच्छी बात है। हमें ये सबक मिलता है ऐसे लोगों से कि हम क्यों किसी पर निर्भर करें। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, दोनों हाथ पैर सब कुछ सलामत हैं, तो क्यों ना हम अपना काम स्वयं करें, बल्कि लोगों को ये दिखाएं कि हम किसी पर आश्रित नहीं हैं, हम स्वयं अपने लिए लड़ सकते हैं, कमा सकते हैं और अपने परिवार को पाल सकते हैं। और देखिए, अरमान है कि मेहनत करके कुछ कमा कर, कुछ अच्छा करके कामयाबी हासिल करना बहुत ही फख्र की बात है। मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपनी को होस्ट संगीता मारवा का कि उनको ये आइडिया मिला और वो इनकी कैब में बैठी, इनसे बात की और हम ये बात आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों, ये सिर्फ इतनी ही सी बात नहीं है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कुदरत ने हमें ये जीवन दिया है, हमें इंसान बनाया है, हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, तो हम क्यों ना इसे अच्छे कामों की तरफ लगाएं, क्यों ना हम वो सोच को उजागर करें जो दूसरों की भी मदद कर सके, अपने साथ साथ दूसरों को लेकर चलें। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कई बार, कि आप लोगों के पास, मेरे चाहने वाले इन दर्शकों के पास जो हमारा चैनल देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनके पास इस तरह का अगर कोई भी आइडिया हो या कोई भी क्लिप हो तो प्लीज़ हमें भेजें, बताएं कि हमें किस विषय पर बात करनी चाहिए या आप क्या विषय सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आप ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, यानी कि मेरे ख्याल से पिछले साल के अंत से, मैं और संगीता इकट्ठे कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनकी कुछ अपनी निजी समस्याएं हैं।
और जब मैं भारत गया था तो हम दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया था जो था दिल्ली की डायरी, दिल्ली डायरी, माफ़ी चाहूँगा। तो वो सब करने के बाद हमें फिर लगा कि हम क्यों ना इस तरह के, जब मैं वापस आया हूँ, क्यों ना इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहे, हम लोग करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, और उनका सहयोग अगर मिलता रहा तो हम आगे बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों का विश्वास जीतना ही हमारा काम है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम नंबर्स में, और हमें अपनी राय भी भेजिए, कमेंट्स भी लिख दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच संगीता फॉर योर दीज लवली क्लिप्स, और मैं यहीं आपसे अब साइन ऑफ करता हूँ टिल नेक्स्ट मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।